कि मैम V3 को पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? वैसे तो गो वेंट गॉन रट लिया है, राइट रोट रिटन, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? इसका भी तो जवाब आपके पास होना चाहिए। पहले तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? कभी कभी जो हमारा वर्ब है ना, कभी कभी हमारा वाक्य में वर्ब नाउन का भी काम करता है और कभी कभी हमारे वाक्य में वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओके, वर्ब, वर्ब एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और वर्ब के डिफरेंट रोल्स है वाक्य में। कभी कभी वो नाउन का भी, आप बोलोगे अरे मैम वर्ब नाउन का कैसे काम कर जाएगा, वर्ब एडजेक्टिव का काम कैसे कर जाएगा? जब वर्ब नाउन का काम करता है तो उसको हम जेरंड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम जेरंड बोलते हैं। वर्ब का ing फॉर्म नाउन का काम करता है, और कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर आप बोलोगे कि मैम वर्ब का नाउन वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, कौन कौन सा? एक V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, उसीलिए हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और एक V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। V4 फॉर्म मतलब ing फॉर्म। अब मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ कि ये कैसे पार्टिसिपल का काम कर करता है, ठीक है। ये देखो, एक छोटा सा मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्टिसिपल इसको क्यों बोलते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों तो पार्टिसिपल है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, उसको अपने डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है कि मैम आपने इस डेवलप्ड को वर्ब क्यों नहीं माना, ठीक है, इसको आपने वर्ब क्यों नहीं माना। हम डेवलप्ड को या डेवलपिंग को वर्ब तब मानते हैं ना, डेवलपिंग, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम ये डेवलप्ड को आप वर्ब क्यों नहीं मान रहे हो, ये वर्ब नहीं है। डेवलप्ड और डेवलपिंग हम वर्ब तभी मानेंगे ना जब उस डेवलप्ड या डेवलपिंग से किसी एक्शन का बोध होगा, किसी काम के होने का बोध होगा। तो यहाँ तो कुछ ऐसा पता, काम के होने का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती दिस प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाई हिम, दिस प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाई हिम, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ का डेवलप में क्रिया हो रही है। दिस प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाई हिम, उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया, और यहाँ डेवलप होने में कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन का बोध हो रहा है, तो यहाँ का डेवलप्ड वर्ब है, ठीक है, यहाँ का डेवलप्ड वर्ब है, यहाँ का डेवलप्ड एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ का वर्ब कौन सा है? शुड हेल्प वर्ब है, यहाँ शुड हेल्प वर्ब है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, दो वर्ब है, ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ का जो वर्ब है वो तो शुड हेल्प है, इसका मतलब है ये डेवलप्ड वर्ब नहीं है, इस डेवलप में किसी एक्शन का बोध नहीं हो रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो कैसा कंट्रीज, कंट्रीज क्या है? नाउन, कंट्रीज नाउन है। कैसा कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज। एक तो नाउन की विशेषता बता रहा है, साथ एक तो नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और साथ में वर्ब भी है, क्योंकि ईडी लगा के हम पास्ट टेंस बनाते हैं, और ईडी लगा के पास्ट टेंस किसका बनाते हैं? वर्ब का बनाते हैं। तो एक तो ये सबसे पहले ईडी लगा है, डेवलप्ड ईडी लगा है तो वर्ब है, लेकिन काम ये वर्ब का नहीं कर रहा है, कंट्री की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल, यस, ठीक है, पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखो कंट्रीज क्या है, कंट्रीज नाउन है। कैसा कंट्रीज? यहाँ तो जो डेवलप हो चुका है और यहाँ पे जो हो रहा है, तो यहाँ कंट्रीज की विशेषता बताई जा रही है, और साथ में ing भी है, तो हम है तो ये वर्ब, बट ये मिलावटी वर्ब है, मिलावटी मतलब है तो ये वर्ब बट काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो ये पार्टिसिपल है। यहाँ भी देखो ing है, इसका मतलब है वर्ब है, लेकिन ये विशेषता तो कंट्री की बता रहा है ना, कैसे कंट्री? डेवलपिंग, तो ये भी पार्टिसिपल है। और मैंने क्या आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, और वर्ब का ing फॉर्म, ing मतलब V4 फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, हाँ, ओके।
पहले मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना क्लियर है? और आपके दिमाग में आएगा, मैम डेवलप्ड का तो V2 भी डेवलप्ड ही होता है, जैसे डेवलप हो गया, इसका पास्ट टेंस भी डेवलप्ड है, और इसका V3 भी तो डेवलप्ड है, V3 भी तो डेवलप्ड है, लेकिन V2 कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, ठीक है? इसका V2 और V3 सेम है, लेकिन V3 एडजेक्टिव का काम करता है, ओके? चलो इतना दूर क्लियर है। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि मैम दोनों तो पार्टिसिपल है, दोनों तो पार्टिसिपल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन ये क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये क्या है जो डेवलपिंग वाला लिखा था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, ओके? जहाँ पे मतलब कंप्लीटेड का सेंस आए, उसमें हम पास्ट लगाते हैं। कंप्लीटेड मतलब कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बट यहाँ तो कंट्रीज अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलप कर रहा है, अभी भी डेवलप कर रहा है। और वॉज के बाद वैसे भी V2 नहीं आएगा, वॉज के साथ V3 ही आता है, बट मैं यहाँ की